क्या आप लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन के वजह से आप चैलेंजेस फेस किए हैं? आप लाइफ में बहुत सारी चीज अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन को फेस किया है? आप सुबह उठने का टाइम डाल देते हैं बट उठ नहीं पाते हैं। क्या इस तरह का प्रॉब्लम आप लाइफ में फेस कर रहे हैं? अगर फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वॉच टिल द एंड, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा व्हाई इट इज हैपनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना जरूरी है वो चीज क्यों होता है, अगर उसका सोल्यूशन क्या है देन यू विल बी फाइंड आउट। जब हमको रीजन पता चल जाएगा तो सोल्यूशन आसानी से निकल पाएंगे लाइफ में। वंस यू विल बी फाइंड आउट द सोल्यूशंस, यू विल बी इंप्लीमेंट दैट सोल्यूशन, इजीली यू विल बी सॉल्व योर प्रॉब्लम अबाउट इन लाइफ। प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। आप लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं बट सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन आपका एक बड़ा एनिमी हो सकता है। स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टार्ट योर सक्सेस अबाउट इन लाइफ। प्रोक्रेस्टिनेशन को स्टॉप करना शुरू करें, सक्सेस आपका लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होगा। ऐसा क्या 10 चीजें हैं जो प्रोक्रेस्टिनेशन हमारा सक्सेस को स्टॉप करवाता है हमारा लाइफ में? 10 रीजंस टू स्टॉप योर प्रोक्रेस्टिनेशन अबाउट इन लाइफ। अगर 10 चीज को आप फॉलो करेंगे तो लाइफ में आपका प्रोक्रेस्टिनेशन को आप स्टॉप कर पाएंगे। वन थिंग्स, सेट ए क्लियर गोल अबाउट इन योर लाइफ। लाइफ में आप क्या चीज अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में कौन सा डेस्टिनेशन को आप रीच करना चाहते हैं, वो गोल आपके पास क्लियर रहना जरूरी है। सेकेंड थिंग्स, मेक ए प्लान टू अचीव योर गोल अबाउट इन लाइफ। जो चीज भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप प्लान क्या बनाए हैं, कौन सा टाइम पे आपको क्या एक्टिविटी करना जरूरी है। आप कोई ना कोई प्लान तो बनाया होगा, अगर बनाए नहीं है तो आपको बनाना शुरू करें। आपका उठने का टाइम कितना बजे है, उठ के क्या एक्टिविटी करने वाले हैं, दिन में आपका प्रायोरिटी क्या है, और सारा चीज का प्लान रहना जरूरी है। जब भी आप जर्नी करते हैं क्या आप उसके लिए प्लान करते हैं, क्या उसके लिए एक्शन लेते हैं, देन यू विल बी रीच योर डेस्टिनेशन अबाउट इन लाइफ। सेम थिंग्स अबाउट इन आवर लाइफ ऑल्सो, सेम चीजें लाइफ में भी बनाना जरूरी है। कहां पे भी अगर हम रीच करना चाहते हैं लाइफ में तो हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट हमको पता होना चाहिए एंड उसके लिए हमको प्लान करना जरूरी है एंड उसके लिए कुछ पे करना जरूरी है लाइफ में। या आर यू रेडी टू पे अबाउट इन योर लाइफ। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट टू योरसेल्फ एंड एक्सेप्ट रियलिटी अबाउट इन लाइफ। खुद को एक्सेप्ट करें एंड रियलिटी को एक्सेप्ट करें सो यू कैन विन योर प्रेजेंट मोमेंट अबाउट इन लाइफ। अगर लाइफ में एक बार आप प्रेजेंट मोमेंट को विन करना सीख जाएंगे, लाइफ में जिंदगी को विन आसानी से आप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, फाइंड स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड योर गोल। जो चीज भी आप अचीव करना चाहते हैं क्यों अचीव करना चाहते हैं, व्हाई स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है लाइफ में। जब तक व्हाई स्ट्रॉन्ग नहीं होगा वो प्रोसेस में इतना एक्सेलेंट हो नहीं पाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप आ जाएगा। क्यों वो चीज को मैं अचीव करना चाहता हूं मेरा लाइफ में, What is the purpose behind my goal about in life? And point number 5, if you'll be not achieve, what is the punishment system? अगर मैं वो चीज अचीव नहीं करने वाला हूं तो क्या पनिशमेंट मेरे लिए रहने वाला है? That is the things drive to the people. वो ही चीज है जो लोगों को ड्राइव करने में मदद क्रिएट होता है। अगर आपके लिए कोई आपका फ्लाइट है, 4 बजे फ्लाइट है, तो आप सुबह 2 बजे उठ जाएंगे। कैसे उठ पाएंगे? बिकॉज यू विल बी मेक योर टिकट, उसके लिए आपने पे किया है, 10,000 रुपीज पे किया है। आपका आप डेस्टिनेशन को रीच करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ पर्पज होगा, कुछ ना कुछ रीजन होगा। इफ यू विल बी नॉट फॉलो दैट एक्टिविटी, अगर वो चीज टाइम वाइज फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लाइफ में कुछ लूज करने वाले हैं, आपका लाइफ में डर होगा पनिशमेंट का, आपका 10,000 लूज करने वाले हैं एंड आपका डेस्टिनेशन को आप रीच नहीं कर पाएंगे। उसके लिए लाइफ में अलर्टमेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। 2 बजने से पहले 5 बज आपका नींद खुल चुका होगा, उसके लिए टाइम देख चुके होंगे क्या टाइम हुआ है नहीं हुआ है, बट रियल लाइफ में वो चीज नहीं हो पाता है। वो चीज को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में। नंबर 6, कमिटमेंट विथ योर सेल्फ। खुद पर कमिटमेंट करें, खुद के साथ कमिटमेंट करें। यस आई विल बी अचीव दैट थिंग्स अबाउट इन माई लाइफ। जो भी हो जाए मेरा लाइफ में वो चीज मैं अचीव करके रहूंगा, नो वन कैन स्टॉप मी टू अचीव दैट थिंग्स इन माई लाइफ।
नंबर सेवन, सेट ए अलार्म एंड पुट ए अलर्टमेंट सिस्टम। मैं जो बात कर रहा था अलर्टमेंट आ जाता है अगर रीजन स्ट्रांग होगा एंड उसके लिए पनिशमेंट का डर होगा तो अलर्टमेंट अपने आप आ जाता है एंड वो अलर्टमेंट हमको बना के रखना जरूरी है। आप अलार्म सेट कर सकते हैं, अदरवाइज अलर्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपका लाइफ में। क्या चीज कब तक फॉलो करना है, रेड द थिंग्स, इट विल बी हेल्प यू टू विन द प्रोक्रेस्टिनेशन एंड विन इजिली सक्सेस अबाउट इन लाइफ। नंबर एट, योर टारगेट टास्क इज बिगर देन योर ऑल द टास्क। आपका सारा टास्क से आपका जो टारगेट है वो हमेशा बड़ा रहना जरूरी है। सो यू कैन इजिली फॉलो अबाउट इन योर लाइफ। आसानी से उस चीज़ को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब वो हमारा लाइफ में प्रायोरिटी बन जाएगा लाइफ में। सो इजिली वी कैन विन दैट थिंग्स अबाउट इन लाइफ। पॉइंट नंबर नाइन, ऑलवेज कीप सिंपल इजी टू अचीव योर टारगेट अबाउट इन लाइफ। वो चीज़ को कंप्लीट करने के लिए हमेशा चीज़ों को सिंपल रखे, आसान रखे, हाउ विल बी अचीव दैट थिंग्स। और चीज़ खुद को क्वेश्चनिंग कर सकते हैं आपके लिए आसान कैसे होगा, हाउ विल बी अचीव दैट थिंग्स अबाउट इन लाइफ। और चीज़ को अचीव करने के लिए ऑलवेज फॉलो द सिंप्लीफाई अबाउट इन लाइफ। नंबर टेन, इट्स डजेंट मैटर्स हाउ विल बी फॉलो बट यू मस्ट कंप्लीट योर टास्क बियॉन्ड टाइम। आप कैसे फॉलो कर रहे हैं वो मैटर नहीं होता है, बट आपका टाइम वाइज आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए। टाइम से पहले आपका टास्क कंप्लीट होना चाहिए, नो मैटर हाउ यू आर फॉलोइंग, व्हेन यू आर फॉलोइंग, बट यू मस्ट अचीव योर टारगेट बियॉन्ड टाइम। टाइम वाइज आपका टारगेट को अचीव करना जरूरी है, बिकॉज रिजल्ट्स आर रिवार्डेड, नॉट योर एफर्ट्स आर रिवार्डेड। आप कैसे एफर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट ऑलवेज फॉलो द राइट थिंग्स अबाउट इन योर लाइफ। हमेशा राइट चीज को फॉलो करें, डेफिनेटली इट विल बी हेल्प यू टू अचीव ए ग्रेट थिंग्स अबाउट इन लाइफ एंड विन द प्रोक्रेस्टिनेशन एंड अचीव ए ग्रेट सक्सेस अबाउट इन लाइफ। सिंपल थिंग्स गेट ए ग्रेट सक्सेस। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।